माय न्यू व्लॉग। आज फ्राइडे का दिन है और कल आपने व्लॉग में देखा था कि कल मैंने छुट्टी करी थी बेटे के साथ, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। थोड़ा 3-4 महीने बाद छुट्टी करी थी, तो सोचा था कि बेटे के 15 दिन की छुट्टी है तो एक दिन उसको घुमा भी दूँ, तो इधर उधर शहर में घुमा दिया और थोड़ा सा जो उनको चाहिए था सामान वो मैंने उनको दिला दिया। अगर दोस्तों आप देखिए कोहरा कितना हो रहा है, बहुत ही कोहरा हो रहा है, और मैं आज अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि राकेश बाबू तो ऊपर ही हैं, 2 दिन से वो वहीं रह रहे हैं। तो आप देखिए कोहरा कितना हो रहा है, और मैंने ये वाली व्लॉग शूट करी है ये वाले पहाड़ के पास, यहाँ से इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये देखिए बहुत ही कोहरा है, और आगे मैं अब ग्लव्स पहन लूँगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं व्लॉग ऊपर जाके ही बनाऊँगा, क्योंकि ठंडा है रास्ते में तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। ओके बाय, वेलकम बैक टू माई चैनल विक्रम त्रिपाठी व्लॉग्स। और मैं पहुँच गया हूँ हट के, और हट के पहुँच के देखिए कितनी खुली धूप है यहाँ पर। नीचे कोहरा ही कोहरा था, पर यहाँ पर देखिए आप धूप कितनी बढ़िया है, और नीचे अब भी कोहरा ही है और कोहरा ही रहेगा दोपहर तक, शाम तक जब भी होता है। क्योंकि कल मैं जब वहाँ रहा था, कल छुट्टी करी थी, तब मैंने देखा था कि भैया नीचे तो बहुत ही ठंडा है, यहाँ तो बहुत सुकून है, यहाँ बहुत सुकून है दोस्तों। देखिए बिल्कुल साफ खिली धूप, बिल्कुल साफ तेज धूप। और मैं आया था, खैर हटके तो नहीं खुला था, साफ सफाई हो रखी थी क्योंकि राकेश बाबू यहीं पे ही हैं, तो साफ सफाई उन्होंने कर रखी थी सारी, और उन्होंने ओपन भी कर ही दिया। देखो आप लमसम तो ओपन ही है ये देखिए, और धूप देखिए दोस्तों कितनी साफ धूप, और हवा भी आज, हवा तो खैर है ही, हवा तो रहती है, हवा तो ये देखिए, हवा तो ऊपर ऊपर रहती है, पर बिल्कुल खिली धूप, बिल्कुल तेज धूप। और ये देखिए ये टाइम है इनका ब्रश करने का, ये वैसे ये आदमी 10 दिन से ब्रश नहीं कर रहा था, अब ब्रश आ गया तो ब्रश कर रहा है ये देखिए। और इधर देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ, नैनीताल तो नहीं दिख रहा, खैर नैनीताल तो नहीं दिख रहा, पर भीमताल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और इधर का ये व्यू देखो आप, ये इधर का व्यू, और नीचे काम चलता ही है, देख ही रहे हैं आप काम चल ही रहा है नीचे, अभी काम जोरों पर है। और कितनी खुली धूप, और नीचे कहाँ ऐसा लग रहा था कि कितना ठंडा है, कितना क्या है, बहुत ही ठंडा था नीचे, पर यहाँ बिल्कुल साफ धूप है, तेज धूप है। और मैं तो आज धूप में ही बैठूंगा दोस्तों, काम ही जो भी होगा, अधिकतर काम जो है कटिंग का धूप में ही करूंगा बैठ के, कल तो तरस गया मैं धूप के लिए। दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 2, और मुझे आए हुए हो गए कई घंटे, तो कई घंटों में यही था कि थोड़ी बहुत तैयारी हमने करी, पर हम तैयारी पूरी कर नहीं पाए क्योंकि इसी बीच कस्टमर आ गए, तो तैयारी अधूरी रखी रह गई है, पर शाम को ही कर पाऊंगा उसको पूरी तैयारी। बहरहाल दोस्तों धूप खिली हुई है, मस्त धूप हो रही है, गरम गरम धूप है, ये देखिए मस्त धूप है, ये देखिए मस्त धूप है दोस्तों, देखिए चारों तरफ खिली हुई धूप, पहाड़ों पे भी और बाहर भी, सब जगह बढ़िया धूप। पर थोड़ा सामने कोहरा हो गया है, हल्का हल्का होने लग गया है, पर धूप साफ है, और भी सीटियां लग रही है अंदर दाल बनने की, और पानी मैंने चूल्हे का भर के रख दिया था सुबह दोस्तों, नहा के आई और नहाए धोए और चली गई। और ये देखिए मैंने तंदूर पे एक चिकन बनने रखा है, ये चिकन तंदूरी है, मतलब तंदूरी कह रहा हूँ, ये देसी मुर्गा है, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा इसलिए मैंने तंदूर पर रख दिया, क्योंकि गैस में रखता तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता, और कुकर में इसलिए नहीं बनाते हैं दोस्तों। खाता हूँ राकेश बाबू क्या कर रहे हैं, आइए राकेश बाबू, आइए आइए राकेश बाबू, कल रात यहीं रुके थे, अब तो यहीं रहेंगे ये, क्योंकि इनको यहाँ अच्छा लग रहा है, इनको मज़ा भी आ रहा है, और ये कह भी रहे थे कि यार मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला है, जंगल है, बढ़िया है, ठंडी हवा है, इनको यहाँ मज़ा आ रहा है, नीचे मज़ा नहीं आ रहा था इनको। देखिए ये राकेश बाबू दाढ़ी वाड़ी बना के चिकने हो गए हैं बिल्कुल, अब लग रहे हैं जवान, देखिए आप, हेलो बोलिए, हेलो सर, ये भी देखिए ये भी सर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं सर ही लोग हो आप। ये देखिए दोस्तों हवा चल रही है, झंडा हिल रहा है, हवा चल रही है ऊपर ऊपर, नीचे तो हवा नहीं है पर ऊपर हवा चल रही है, धूप खिली हुई है दोस्तों पूरी तरीके से, बेहतरीन वाली धूप। तो दोपहर के बज गए हैं 4:30, और 4:30 बजे ये व्यू है, अभी कोहरा आने लग गया हल्का हल्का, और देखिए नीचे से आ रहा है कोहरा, ये देखिए अब नीचे से आ रहा है कोहरा, और ये देखिए पर धूप है, पर धूप अब भी है, 4 बज गए हैं पर धूप अब भी है, और देख सकते हैं आप राकेश बाबू, धूप अब भी है भाइयों, दोस्तों धूप देखो आप,
4:30 बज गए, पर धूप है अभी खिली हुई। गए 5:30 और धूप अभी भी है। देखो आप, कोहरा भी है थोड़ा बहुत, वो कोहरा नीचे की तरफ है पहाड़ों में, पर ऊपर की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ सिर्फ हल्की हल्की धूप ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट यहाँ पर होने वाला है, अभी थोड़ी देर है अभी, पर पूरा आपको दिखाऊंगा। अभी जितना हो रहा है मैं उतना दिखाता हूँ आपको कि कैसा लग रहा है वो सनसेट। ये देखिए सनसेट, आई होप कि आप मेरी आज की ये व्लॉग आपको पसंद आई हो, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा इधर का व्यू दिखाया आपको कि नीचे कोहरा हो रहा है, यहाँ धूप हो रही है, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। दोस्तों देखिए यहाँ अभी धूप है, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं शेड दिख रहा है मेरा, तो धूप अभी है और 5:30 बज चुके हैं, लगभग 6 बजने वाले हैं दोस्तों। तो अब मैं घर जाने की तैयारी करता हूँ, और आज के आप व्लॉग पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो दोस्तों। मैं नीचे से ऊपर तक आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आपको बाइक से आता हूँ, और आजकल तो मैं अकेले ही आ रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया था कि राकेश भाई अब यहीं रहते हैं, तो मैं ही अकेले नीचे से ऊपर आता हूँ, अब नीचे अकेले ही जाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये थोड़ी सी मेहनत रंग लाए, ये मेरी मेहनत रंग लाए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। श्री राधे राधे दोस्तों, बाय।